दोस्तों, जनरली हमारे इंडिया में लोग इन 10 तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कुछ लोग अपने पैसों को बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग आरडी करते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीद कर रखते हैं, कुछ लोग LIC या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपनी फ्रेंड सर्किल या फिर रिलेटिव्स में लोन देते हैं, कुछ लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं एंड कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्हें एक्चुअल में अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किसमें कितना रिटर्न्स मिलता है एंड रिस्क कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके मन में जितने भी सारे क्वेरीज है, हर एक चीज़ आज हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड इसे अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम तक ये वीडियो आपके काम आने वाला है एंड इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें पैसों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर हम उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1985 में 1 किलो चावल की प्राइस 1.25 रुपीज़ था। 20 साल बाद यानी 2005 में उसकी प्राइस बढ़कर 6 रुपीज़ पर केजी हो गया। 2005 से 2022 तक हर 5 साल में चावल की प्राइस डबल होते जा रहा है। अभी 2021-2022 में 1 किलो चावल की प्राइस 50 से 60 रुपीज़ पर केजी है और 2025-2026 तक ये 100 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2005 में आप 10 रुपीज़ देकर 2 केजी चावल खरीद सकते थे, लेकिन आज 2022 में उस 10 रुपीज़ से आप सिर्फ 200 ग्राम चावल ही खरीद सकते हैं। यानी हर साल पैसा अपनी वैल्यू को लूज करती है। ये महंगाई आप सिर्फ चावल में ही नहीं, हर किसी प्रोडक्ट में देख सकते हैं। इस महंगाई को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से हर साल इन्फ्लेक्शन 8% के हिसाब से ग्रो कर रही है। इस इन्फ्लेक्शन को बीट करने के लिए हमें पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एक्चुअल में हमें कहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, जिसमें उनको मैक्सिमम 3 से 4% तक का रिटर्न्स मिलता है। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेक्शन 8% के हिसाब से इंक्रीज होती है, इसलिए जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं वो हर साल अपने पैसों के वैल्यू को लूज करते हैं। बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल करके लोन देता है, जिससे बैंक अमीर बनता है एंड आप गरीब बनते हैं। इसीलिए आप कभी भी अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में मत रखिए। सेकेंड, कुछ लोग बैंक में FD यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 5 से 7% तक का रिटर्न्स मिलता है। ये भी इन्फ्लेक्शन को बीट नहीं कर पाता है। इसमें पैसा रखने पर बैंक आपके पैसों से कुछ पैसा लोन पर देता है एंड कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिससे बैंक अमीर बनता है एंड आपको उतना कुछ फायदा नहीं होता है। इसीलिए आपको FD में भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट जैसे कि 10 करोड़ 20 करोड़ रुपीस पड़ा है एंड आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि हर महीने आपको उसमें से कुछ इंटरेस्ट मिलते रहे, तब आपके लिए फिक्स डिपॉजिट सही है। दोस्तों, मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन्वेस्ट करने से पहले हर एक चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो के बाद आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट से रिलेटेड आपके मन में एक भी क्वेरी नहीं रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। थर्ड, कुछ लोग आरडी करते हैं। इसमें हर महीने आपको कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसमें भी FD जैसा ही इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी इन्फ्लेक्शन को बीट नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें से आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में ह्यूज रिटर्न्स नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में आपका पैसा 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। ये सिर्फ इन्फ्लेक्शन के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट करती है। सपोज इन्फ्लेक्शन 8% इंक्रीज होती है, तो इसमें आपको 8% या फिर उसे 1 या 2% ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल गोल्ड। इसमें आपको सर्च चार्ज, मेकिंग चार्जेस लगता है, प्योरिटी एंड थेफ्ट का भी रिस्क होता है। सेकेंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड ETF। इसमें आप सेम अमाउंट पे करके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। थर्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये बिल्कुल भी टैक्स फ्री होता है। इसमें मेकिंग चार्जेस, सर चार्जेस नहीं लगता है एंड थेफ्ट का भी टेंशन नहीं होता है। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ज़रूर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से हमें इन्फ्लेक्शन से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फिफ्थ, कुछ लोग LIC या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं।
इसमें आपसे कहा जाता है कि मंथली या फिर ईयरली आप हमें कुछ पैसा दीजिए। इसे आपको 10 या 15 साल के लिए कंटिन्यू करना है। फिर उसके 5 साल बाद हम आपको 50 लाख रुपीस या फिर 1 करोड़ रुपीस जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। सुनने में ये अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग लालच में इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो लोग कंपाउंडिंग को समझ गए हैं वो कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं आप डेली 100 रुपीज़ यानी मंथली 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 4.5 करोड़ रुपीज़ कमा सकते हैं? ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। LIC आपसे पैसा लेकर सेम यही चीज़ करती है एंड आपको पकड़ा देती है 50 लाख रुपीज़। एंड आप सब तो होते हैं भोले भाले जो कि ये अमाउंट देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आप डेली 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 4.5 करोड़ रुपीज़ कमा सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी LIC में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सब कुछ वहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। 6th, कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर रिलेटिव्स में अपनी सेविंग्स को लोन फॉर्म में देते हैं एंड हर महीने उसमें से इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एंड इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स भी मिलता है, लेकिन ये सब अनऑफिशियली होता है। अगर उसमें से कोई आपको पैसा रिटर्न नहीं करता है तब कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, इसलिए ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। आपने पूरी ज़िंदगी में जितना इंटरेस्ट नहीं कमाया होगा एक बार में आप उतना पैसा गवा भी सकते हैं, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। 7th, कुछ लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में मुझे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट लगता है। मैं यहाँ पे ज़मीन की बात कर रहा हूँ, फ्लैट या हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाउस जैसे जैसे पुराना होता है वो अपनी वैल्यू लूज करती है। ज़मीन में आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलता है, 2 या 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल भी हो सकती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपयों की ज़रूरत होती है। शायद आज की डेट में मैं पूरे इंडिया में 1 लाख या फिर 2 लाख इन्वेस्ट करके कहीं पर भी ज़मीन ना खरीद पाऊँ। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ईयरली रेंट भी मिलता है। ये म्यूचुअल फंड की तरह एक ट्रस्ट होता है जो पब्लिक से पैसा लेकर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करनी होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके डिटेल्ड वीडियो ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। 8th, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कुछ AMC कंपनीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो पब्लिक से पैसा लेकर शेयर्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए AMC कंपनीज कुछ प्रोफेशनल को हायर करते हैं जो आपके बिहाफ पर पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स एंड कैटेगरीज होती है। इसमें आपको इन्फ्लेक्शन के अगेंस्ट में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपने किस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट किया है। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। अगर आपको बहुत कम रिस्क लेना है तब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लास्ट 20 साल से ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न्स देता आ रहा है। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर चेक करें। अगर आप डेली शेयर्स रिसर्च के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हैं तब आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या फिर शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ओर। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर आपने 2 साल पहले इस कॉइन में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू इतने करोड़ रुपीज़ होती। एक्चुअल में हर सिक्के के 2 साइड्स होते हैं, ये तो एक साइड है। दूसरी साइड्स की बात करें तो कुछ कॉइन्स ऐसे भी है जिसमें 2 साल पहले अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1,000 रुपीज़ भी नहीं होता। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट जैसे होता है लॉस भी वैसे ही होता है। अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए रेडी है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप टॉप 20 कॉइन्स के अंदर ही इन्वेस्ट करें एंड एक प्रॉफिट टारगेट भी सेट कीजिए। जैसे ही आपकी टारगेट अचीव हो जाए उसे सेल कर दीजिए। तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। कुछ लोग इक्विटी या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग ही नहीं बल्कि हमारे जो 10 इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं उसमें से भी बहुत सारे इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सही स्टॉक्स पिक करते हैं तो हर साल आप इजीली 20% से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन आपको सही स्टॉक्स पिक करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, नहीं तो आप अपना सारा पैसा लॉस कर सकते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क होता है, लेकिन रिस्क तो होता है।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक्स, आईपीओस, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड्स किस में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफस्टॉक एंड एंजल वन का लिंक दिया हूँ, जिसमें आप क्लिक करके फ्री में अपनी डीमैट अकाउंट अभी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सही स्टॉक्स पिक किया जाता है, स्टॉक्स पिक करने से पहले किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करनी होती है, तो उसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, जिसे फॉलो करके आप सही स्टॉक्स पिक कर सकते हैं एंड आसानी से 20-25% का रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, ये 10 इन्वेस्टमेंट टाइप्स है, ये 4 इन्वेस्टमेंट टाइप्स सबसे बेस्ट है। फर्स्ट, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें। सेकंड, शेयर मार्केट के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। फोर्थ, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो को देखने के बाद आप खुद से रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं एंड उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।